कोई प्रज्ञावान या कोई तेज दिमाग का व्यक्ति हो, वो फिजूल चीज़ों से बोर हो जाते हैं, वो इसमें पढ़ते नहीं। कुछ चीज़ें हम बेहोशी से करते रहते हैं जिससे भी हम बोर नहीं होते। यहाँ मैं कहूँगा सच में बोर हो जाना चाहिए आपको, तो वही टीवी देखते रहते हो, वही खाते रहते हो, वही गपशप करते रहते हो, उससे बोर नहीं होते। क्यों होना चाहिए? मान लो आप अपने से इतने बोर हो जाते हो, खाली बैठे एक बोर हुआ हुआ व्यक्ति दूसरों को कैसे खुशी ला सकता है बताओ? दो व्यक्ति अपने आप से बोर हो जाएंगे, वे दोनों मिलने से क्या एक दूसरे को दे पाएंगे? बोर्डम ही देंगे। बोर्डम से बाहर आने के लिए आपको खुद को संकल्प करना पड़ेगा। कई उपाय है, आज का उपाय इतना सोचो, थोड़ा सा प्राणायाम कर ले। भस्त्रिका प्राणायाम है, हाथ ऊपर करिए, सांस लीजिए, हाथ छोड़ते वक्त हाथ को नीचे लेके आए, इस तरह से भस्त्रिका का प्राणायाम 10-15 बार कर लीजिए, ध्यान करिए, साधना करिए, इससे भी आप बोर्डम से आसानी से दूर बाहर आ जाओगे। ठीक है ना? ये नहीं कहना अरे गुरुदेव ये सब प्राणायाम करने में बड़ा बोर्डम लगता है, वह एक कुछ क्षण है, एक बार उसे छलांग लगा देते हैं, उसको पार कर देते, देखना आपके भीतर उत्साह फूट फूट के निकलेगा। जैसे सांस की गति में परिवर्तन होता है, ऐसे मन में भी परिवर्तन आ जाता है। क्यों? क्यों? हर भावना के साथ सांस की एक लय जुड़ी हुई है। सांस का लय बदला, मन का मूड बदल जाता है। तो सांस और ध्यान को अपना आधार बनाकर अपना मन की स्थिति को बदलने में आप काबिल हो जाओगे। कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब और कुछ करने के लिए नहीं है, आप बैठिए, अपने आप को ऐसा मजबूत बनाओ, जहाँ भी होते हो औरों को आपसे खुशी मिले, इस तरह के आप अपना व्यक्तित्व को निर्माण कर सकते हो। तो आप गाना गाइए, भजन करिए, फिल्मी गाना गाइए, अंताक्षरी करो, घर में बैठे कुछ सृजनात्मक चीज़ें करो, कुछ लिखो, तब देखो आप बोर्डम से बाहर आ जाओ। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, जब छोटे बच्चे थे आप इतने बोर नहीं होते थे ना, है ना? तो आपके भीतर उत्साह का फवारा है, आप औरों को उत्साहित करो, आप खुद भी अपने उत्साह में डटे रहो।